सुना परदेसी बालम हमके नाही ढीली देवरा तुड़ी किली घरे आजा छोड़ी के तू दिली देवरा तुड़ी किली। गायकी के मामले में तो भोजपुरी में मुझे ऐसा लगता है कि पवन जी से अच्छा सिंगर कोई हुआ ही नहीं है और इन फ्यूचर होगा भी नहीं, उनकी जैसी गायकी किसी की नहीं है। एक्टिंग में और भी लोग हैं, एक्टिंग अच्छा करते हैं, लेकिन सिंगर सबसे अच्छे पवन जी। खेसारी जी में क्या दिक्कत? खेसारी जी बहुत। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं और आप देख रहे हैं अपना ऑर्डर। मेरे साथ निशा दुबे जी हैं, भोजपुरी की जानी मानी अभिनेत्री हैं, बेहतरीन गायिका हैं और चारों तरफ इनका जलवा इन दिनों खूब चल रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं, खास बातचीत करते हैं। निशा जी कैसी हैं और क्या कुछ चल रहा है? बहुत बढ़िया, और अपना वुड के सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा प्रणाम। ये दूसरी या तीसरी बार हम इंटरव्यू कर रहे हैं, फिंगर क्रॉस हमेशा की तरह आपका आशीर्वाद ढेर सारा मिलेगा। निशा जी, इन दिनों होली के भी आपके खूब गाने चल रहे हैं, स्टेज शो भी खूब चल रहे हैं, इतना कैसे मैनेज कर लेती? कमुए का बा। कुछ लोग होंगे जो पहली बार आपको देख रहे होंगे, आपका सबसे ज़्यादा चर्चित एल्बम हम लोग तो जानते हैं, पब्लिक को एक बार बता दीजिए। ऐसे चर्चा दो तरीके से है, एक पहले तो कि कुछ गाने ऐसे हैं जिसमें मैंने काम किया था इस वजह से लोग मुझे जानते हैं, कुछ गाने ऐसे हैं जो मेरे खुद के गाए हुए हिट हुए हैं उस वजह से भी लोग जानते हैं। जो बहुत चर्चित था जिसमें मैंने काम किया वो था लगाए दी चोलिया के हुक राजा जी, सकेत होता, चुभुर चुभुर गड़े और चनवाना, बहुत सारे गाने थे। जो गाने से मेरा जो खुद का पर्सनली गाया हुआ गाना जो हिट हुआ, देवी भजन था मेरा माई के सिंगार वो। निशा जी, फिल्में बहुत सारी आपकी आई, अभी वर्तमान में कौन कौन सी फिल्में कर रही हैं? अभी वर्तमान में कोई फिल्म नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी फिल्मों का थोड़ा सा दौर भैया बहुत चेंज हुआ है। वो अपना खुद का गोल सेट करके रखते हैं कि मुझे ये हीरो चाहिए, मैं ये हीरो हूँ तो मुझे ये हीरोइन चाहिए, ये म्यूज़िक डायरेक्टर चाहिए, ये आर्टिस्ट चाहिए, तो उनका सब कुछ पहले से सेट होता है। तो हम छोटे मोटे कलाकारों के लिए वहाँ जगह है नहीं, और जो हमारे बजट की फिल्में बनती थी वो भी बननी बंद हो गई, क्योंकि थिएटर्स नहीं है, उनके पास रिलीज़ के लिए जगह नहीं है, केवल यूट्यूब पर रिलीज़ हो रही है, तो अभी थोड़ा सा फिल्मों का स्कोप कम हो गया है। निशा जी, फिल्म अभिनेत्री होने के साथ साथ आप एक गायिका भी हैं, इन दिनों भोजपुरी का फिल्मों का स्तर और एल्बम का स्तर दोनों आप देख रही हैं, फिल्में आप कम कर रही हैं कारण जो भी हो, एल्बम और स्टेज शो आपके ज़्यादा चल रहे हैं, लोगों में खासा आपको देखने और सुनने का उत्साह भी बना रहता है। एक सवाल है, इन दिनों भोजपुरी फिल्में खूब बड़े बड़े बजट की बन तो रही हैं, लेकिन सिनेमा घरों की खिड़कियों पर पब्लिक नहीं है, जबकि भोजपुरी की पब्लिक स्टेज शो में और एल्बम में खूब भर भर के व्यूज दे रही है, अपना प्यार दे रही है, फिल्मों को क्यों नहीं मिल रहा है? आपको एक आर्टिस्ट के तौर पे क्या लगता है? इस सवाल का जवाब आपके सवाल में ही छुपा हुआ है। पहला तो कि मैं फिल्में नहीं कर रही हूँ, मैंने अपना रीज़न बताया, पब्लिक थिएटर तक नहीं जा रही है, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं पर्दे में बोलूँगी समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, हीरो हीरोइन जो चीज़ होते हैं ना उसको पब्लिक देखना और जानना चाहती है, वो एक ऐसा नायाब हीरा होना चाहिए जिसको छूने के लिए, जिसको देखने के लिए मन में उत्साह ललक होना चाहिए। आज हम सलमान खान की फिल्में देखने जाते हैं या शाहरुख की फिल्में देने जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते, हमें मतलब क्यूरियोसिटी होती है कि पहले देखें क्या है, क्या नया है फिल्में अगर बन रही तो कॉन्सेप्ट क्या है, हम फिल्म देखते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। और हमारी भोजपुरी का मतलब ये दुर्भाग्य कहा जाए या जो भी कहा जाए, डोंट नो, ज़्यादा नहीं बोल सकती वरना बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज होंगे और बीच में मैं फंस जाऊँगी, तो ये निशा दुबे डरती हैं किसी से? मैंने पहले भी बोला था कि मैं तो किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, लेकिन हाँ होता क्या है कि अगर मैं पर्टिकुलर किसी एक का नाम ले लूँ तो उनके जो चेले चपाटी लोग हैं वो लोग फ़ोन करना चालू कर देते हैं, धमकी भरा मैसेज करना चालू कर देते हैं, इसलिए मैं किसी का नाम पर्टिकुलर लेना नहीं चाहती हूँ। भाई छोटा मोटा कलाकार है, कमा खा रहे, कमाने खाने दीजिए, क्यों फंसा रहे हमको? तो जवाब ये था कि सिनेमा में कुछ भी रहस्य नहीं रह गया है, जो भी चीज़ हो रही पहले पता चल जा रहा है, कोई लुक अगर कोई हीरो नया लुक ले रहा है या कोई हीरोइन नया लुक ले रही है तो पहले सब कुछ रिवील हो जा रहा है, पब्लिक को सब कुछ पता है कि क्या, तो क्या देखने जाएगी पब्लिक, आप बताओ। निशा जी, जो बड़े कलाकार हैं अपनी कला दिखा के लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं, चाहे अभिनय हो या गायकी हो, ये इतने सारे बाउंसर और सिक्योरिटी लेके घूमते हैं, कलाकारों को किससे जान का खतरा होता है एक कलाकार के तौर पर, आप बता दीजिए। देखिए अगर
हमारे जो सुपरस्टार्स हैं पवन दिनेश खेसारी जी है, तो वो तो अपने प्रोटेक्शन के लिए लेके चले कि ठीक है उनको प्रोटेक्शन है कि पब्लिक उन पर टूट पड़ती है सेल्फी के लिए या हाथ मिलाने के लिए, तो वो प्रोटेक्शन ले रहे समझ में आता है। अब जो आजकल ये जो नए नए निकले हैं सब चेले चपाटी, जो जिनको ढंग से सुर लगाना नहीं आता, खुद को गायिका और खुद को गायक बोलते हैं, वो भोजपुरी में कहावत बा कि कमजोर विद्यार्थी के बस्ता भारी, वे हाल उलो के बा कुछ भले आवे चाहे मत आवे लेकिन भोकाल टाइट रहे के चाहिए। मुश्किल से दूगो अगर हिंदी गाना बोल दिया तो गावे में वो कपार के पसीना का जने कहाँ से निकले लगी, लेकिन वो दिखावा उतने खाली भोकाल टाइट बा कुछ ना। तो निशा जी फेसबुक पे जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं वो बहुत बड़े स्टार हो जाते हैं, निशा दुबे जी का कितने फॉलोअर हैं और कितनी बड़ी स्टार है? भैया सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि फेसबुक का ज़माना अब रहा नहीं है, अब ज़माना है इंस्टाग्राम का। तो बहुत बड़े बेवकूफ़ होंगे जो ये बोलते हैं कि मेरा फेसबुक फॉलोअर है तो मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ या स्टार हूँ। निशा जी आजकल भोजपुरी का एक अलग दौर चल रहा है, फिल्मों में बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और ज़्यादातर भोजपुरी फिल्मों में गायक ही नायक बने हैं। जितने भी भोजपुरी गायक हैं उनमें एक कलाकार के तौर पे नहीं, एक श्रोता और दर्शक के तौर पे आपको किसकी गायकी सबसे ज़्यादा पसंद आती है मेल में? देखिए ये तो भोजपुरी में शुरू से चलता आ रहा है कि सिंगर ही एक्टर बनेंगे। अगर ये ट्रेंड चेंज मेरे हाथ में रहता भैया तो मैं सबसे पहले ये ट्रेंड चेंज कर देती, क्योंकि ये चेंज होगा ना तभी भोजपुरी में अच्छे अच्छे एक्टर आएंगे, लॉन्च होंगे। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर पड़े हैं इंडस्ट्री में काम करने वाले भोजपुरी में भी, लेकिन उनको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा, उनको काम नहीं मिल रहा, क्योंकि पब्लिक देखेगी नहीं, उनको वही चाहिए जो सिंगर है वही एक्टर चाहिए। ठीक है अब क्या कर सकते हैं, जो रीति रिवाज चलता आ रहा है समझिए भोजपुरी में। तो पर मेरा सवाल ये था कि मुझे एज अ एक्टर कौन, मुझे सिंगर कौन पसंद है एज अ सिंगर गायकी के मामले में, तो भोजपुरी में मुझे ऐसा लगता है कि पवन जी से अच्छा सिंगर कोई हुआ ही नहीं है और इन फ्यूचर होगा भी नहीं, उनकी जैसी गायकी किसी की नहीं है। एक्टिंग में और भी लोग हैं एक्टिंग अच्छा करते हैं लेकिन सिंगर सबसे अच्छे पवन जी। खेसारी जी में क्या दिक्कत? खेसारी जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे कॉमेडी कंटेंट बहुत अच्छा करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होते हैं सिंगिंग के एक्टिंग के, वो एक्टर बहुत अच्छे हैं, दोनों में दो क्वालिटी, एक सिंगर बहुत अच्छा है एक एक्टर बहुत अच्छा। मतलब खेसारी जी को बहुत अच्छा सिंगर नहीं मानती है पवन सिंह के मुकाबले? ये गलत बात है, सिंगर बात हुई थी गायकी की, खेसारी जी खुद ये बात बोलते हैं, आप उनके भी इंटरव्यू देखिएगा उनके लाइव देखिएगा कि पवन जी के जैसा सिंगर कोई नहीं है, जो खुद इस बात को एक्सेप्ट करता है तो मैं उसको कैसे काट सकती हूँ। किसी ने कह दिया था आप भी जानती हैं मैं नाम नहीं लूँगा, हो सकता है कि सुपरस्टार बुरा मान जाएंगे, कह दिए थे कि अब पवन सिंह की उम्र हो गई है उनको अब काम करना छोड़ देना चाहिए, आपको लगता है कि पवन सिंह की उम्र हो गई है? वैसे तो अमिताभ बच्चन की भी उम्र हो गई है, उनको भी छोड़ देना चाहिए, कलाकार की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, कलाकारी की कोई सीमा थोड़ी ना होती है, अब जितने दिन कलाकार है जितना कलाकारी करे, हमें तो लगता है कि सीखने की और कलाकारी की कभी कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र की स्टेज में सीख सकते हैं, और वो हमारी इंडस्ट्री का एक ऐसा अनमोल हीरा है जिनकी जगह कोई ले ही नहीं सकता है। तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि वो जाए, वो शायद 70-80-90 साल के भी हो जाए तभी मैं चाहूँगी कि वो काम करते रहे। जो लोग पवन सिंह को उम्र दराज कह रहे हैं उनके लिए क्या कहें? अब हम क्या बोले भैया, रहने दीजिए, हमको क्यों कंट्रोवर्सी में फंसा रहे हैं आप, सबकी अपनी अपनी सोच है, अब जिनको लग रहा है क्या कर सकते हैं। मुझे या जो उनके हम मतलब मैं उनकी फ़ैन हूँ समझिए, तो पवन जी की गायकी की, तो एज अ फैन मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा स्टार इंडस्ट्री छोड़ के जाए, या कोई भी वो स्टार जिसको मैं या हमारी पब्लिक पसंद करती है कोई नहीं चाहे, जो खेसारी जी के फ़ैन होंगे वो भी नहीं चाहेंगे खेसारी जी इंडस्ट्री छोड़ के जाए, तो जो जिससे प्यार करते हैं जिसको पसंद करते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे उसको छोड़ने के लिए। एक गायिका होने के साथ साथ आप एक श्रोता भी हैं, भोजपुरी में कोई महिला सिंगर फीमेल सिंगर जिसकी गायकी आपको पसंद आती हो? एक ही है कल्पना जी, जिनको मैं शुरू से बहुत मानती हूँ, उनकी गायकी उनसे अच्छा कोई गायक आया ही नहीं। हम तो कमाने खाने वाले सिंगर है, दो रोटी कमा लेते हैं गाना गा के, मैं तो अपने आप को गायिका मानती नहीं हूँ। अगर कोई सबसे अच्छी गायिका है तो वो सिर्फ और सिर्फ कल्पना जी हैं, उनसे बेटर मुझे कोई लगा ही नहीं आज तक। निशा जी कल्पना जी के कोई ऐसे गाने जो आपको बहुत पसंद हो, दो लाइन हो जाए? मैं अभी कल कार्यक्रम करके आ रही हूँ, मेरा आवाज़ लग रहा होगा खसखस कर रहा, आवाज़ गाऊंगी बेसुरा हो जाऊंगी। पवन जी उनका एक था पूर्वी गाना, सुना परदेसी बालम हमके नाही ढीली देवरा तुड़ी किली, घरे आजा
छोड़ी के तू दिली देवरा तूड़ी खिली। ये गाना मतलब अभी भी सुनती हूँ तो रोंटे खड़े हो जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी निशा दुबे जी, जानी मानी अभिनेत्री हैं, जानी मानी गायिका है। ऐसे ही आपका जलवा चलता रहे, आपको आपके भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली वीडियो में मिलवाएंगे किसी और से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।